नमस्कार, मैं हूँ स्वाति। कार्यक्रम बैद्यनाथ स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं और उसे सराहते हैं, यह हमें आपके पत्रों के माध्यम से पता चलता रहता है, उसके लिए धन्यवाद। शारीरिक विज्ञान के अनुसार मोटापा या ओवरवेट तब होता है जब एक पुरुष या बालक का शारीरिक वेट उसके स्पेसिफाइड आइडियल वेट से 15 या 20% बढ़ जाए और महिला या एक लड़की का वेट उसके आइडियल स्पेसिफाइड वेट से 20 या 25% बढ़ जाए तो वो भी ओवरवेट की कैटेगरी में आता है। आपके शरीर में अगर चर्बी और ज्यादा इसी तरह बढ़ती रहे तो वह एक निश्चित लक्षण होता है मोटापे का। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मोटापे की, किंतु समय के अभाव के कारण हमें उस चर्चा को वहीं रोकना पड़ा था। आज हम इस चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनु शर्मा। वेलकम टू आवर स्टूडियो वंस अगेन डॉक्टर शर्मा। आपने पिछले एपिसोड में हमें मोटापे के बारे में और उसके पहलुओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई, इस चर्चा को आज हम फिर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मोटापे को घरेलू औषधियों से भी कम किया जा सकता है? ऐसी बहुत सी, जैसे हम बताते हैं कि सुबह के समय आप खाली पेट नींबू के रस को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। इसी तरह से आंवला रस का सेवन करने से भी मोटापा रोग कम होता है। और जिन लोगों में कफ की ज़्यादा वृद्धि होती है उनके लिए एक बहुत छोटा सा नुस्खा है, हम सौंठ लेते हैं। सौंठ के 1-2 टुकड़े गर्म पानी में रखते हैं, उनको बॉयल गर्म पानी में उबाल लेते हैं, तो उबालने के बाद उसको चाय की तरह पिया जाता है। दिन में 2-3 बार ऐसा पीने से भी शरीर से जो कफ की वृद्धि हुई होती है उसमें कमी आती है। इस तरह से मोटापे को हम कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर शर्मा, धन्यवाद, आपने दिए हमारे प्रश्नों के जवाब। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, जहां हम अपने दर्शकों के पत्र लेते हैं। पहला पत्र हमने शामिल किया है जम्मू में रहने वाले नितिन तलवार जी का। इनका प्रश्न है कि अधिक समय तक तनावग्रस्त रहने के कारण भी क्या उन्हें मोटापे जैसी गंभीर बीमारी होने का अंदेशा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आजकल लोग बहुत सा तनाव में रहते हैं, कुछ अपने पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से या जो दैनिक उनकी चर्या है अपने काम की वजह से तनाव में रहते हैं। तनाव एक मुख्य कारण हो सकता है मोटापे में, क्योंकि इस स्ट्रेस में रहने से लोगों को अपने खाने के नियमों का और उनकी मात्रा का ध्यान नहीं होता, वो खाने में अधिक खा जाते हैं। और इसी तरह से अपना स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं और ऐसी दिनचर्या अपनाएं जिसमें कि आप स्ट्रेस से मुक्त रहें। सुबह के समय आप सैर करने जा सकते हैं, ऐसे नियमों का पालन करने से, अपने आहार विहार को संयमित करने से आप इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। जी, ये दूसरा पत्र हमने शामिल किया है मध्य प्रदेश के जिला रायसेन से धर्मेंद्र रघुवंशी जी का। इनका प्रश्न है कि पिछले 3 सालों से अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तथा पिछले 1 साल से इनका वजन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? कृपया कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं। देखिए, जो भी अल्कोहल का सेवन करते हैं उन सभी में कैलोरी इनटेक बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे लीवर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और बॉडी की ग्लैंड्स की जो सिक्रेशंस हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से मेद की वृद्धि होती है शरीर में। और इनको सबसे पहले मैं तो यही सलाह दूंगी कि इनको अल्कोहल जितना हो सके छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल पीने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट लिवर पे होता है। और लिवर यदि आपका ऐसा ग्लैंड है जो शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है और इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसलिए आपको अल्कोहल को का परित्याग करना चाहिए और इसकी जगह आपको कुछ ऐसा आहार विहार लेना चाहिए जिससे कि आपकी लिवर को फ़ायदा हो। जैसे कि लिवरिक्स टैबलेट्स भी आती हैं, लिवरिक्स सिर्फ आता है वैद्यनाथ का, ये आप अगर नियमित प्रयोग करेंगे तो आपको इस रोग से छुटकारा मिल सकता है। मोटापा कम करने के लिए आपको मेदोहर विडंग आदि लो है उसका आप सेवन कर सकते हैं। इसी तरह से पुनर्नवारिष्ट है, पुनर्नवारिष्ट बहुत अच्छी औषधि है, इससे आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स बनेंगे, जितने भी केमिकल्स होंगे वो आपके एक्सक्रीट हो जाएंगे और ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में बहुत मदद करती हैं, तो इसके नियमित प्रयोग से आपको फायदा हो। ये अगला पत्र हमने शामिल किया है सोनीपत से हरविंदर कौर जी का। इनका प्रश्न है कि क्या मोटापा रोगों को उत्पन्न करने का बड़ा कारण है जिसके द्वारा लोगों की मृत्यु भी हो जाती है? ये बात कर रही हैं जैसे हार्ट अटैक। ये हरविंदर जी, मैं कहना चाहूंगी कि मोटापा एक बहुत ही, जैसे हमने शुरू में भी कहा कि बहुत ही गंभीर समस्या है। इसके बढ़ने से एक के बाद एक निरंतर रोग शरीर में आते रहते हैं
और उसमें मुख्यतः जैसे कि हार्ट डिजीज यदि किसी को हो जाए तो वो बहुत ही फेटल प्रूव हो सकता है. इसी तरह से अस्थमेटिक की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है. यदि निरंतर आप अपने खान पान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं तो ये मोटापा जानलेवा भी हो सकता है. ये पत्र हमें भेजा है मुरादाबाद के मोहम्मद इकबाल ने. इनका प्रश्न है कि इनको थायराइड हो गया है जिसकी वजह से इनका वजन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कृपया कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं. आज की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है कि जो थायराइड है ये थायराइड ग्लैंड के बढ़ने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन ये भी सत्य है कि मोटापा बढ़ने से थायराइड ग्लैंड होते हैं. थायराइड ग्लैंड की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है. तो इसके लिए आपको अगर आप थायराइड की औषधियाँ ले रहे हैं तो उसमें उसको एकदम से तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में ऐसे बहुत से योग हैं जिससे आपकी थायराइड की समस्या का समाधान हो सकता है. और मोटापे को कम करना अति आवश्यक है इस स्थिति में. यदि आप मोटापे पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आगे जाके एक गंभीर समस्या बन सकती है. आयुर्वेदिक उपचार के तौर पर हम इनको कुछ औषधियाँ भी बता सकते हैं और खान पान में इनको कुछ परिवर्तन करने होंगे, जैसा कि अपनी डेली रूटीन्स में पौष्टिक आहार लेना इनके लिए बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से सम्यक खाना, जैसे कि नियम से खाना, सुबह दोपहर और शाम खाने का समय एक समय निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है. यदि आप खाना मिस करते हैं या समय पे नहीं खाते हैं तो उससे भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स पे, थायराइड ग्लैंड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है. तो उसके लिए मैं कुछ मेडिसिंस हैं, जैसा कि मेदोहर वडिंग आदि लोग हैं, इसको आप दो दो गोली सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं. इसी तरह से आरोग्यवर्धिनी है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है इस रोग के लिए. इसकी एक एक गोली दिन में 3 बार पानी से ली जा सकती है, इससे आपको अवश्य फायदा होगा. यह अगला पत्र आया है दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के शुभम जी का. इनका प्रश्न है कि लगभग 40% शहरी बच्चे मोटापे का शिकार है, तो क्या यह बीमारी अनुवांशिक है, कृपया इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं. जैसे आजकल के बच्चों में खान पान की जो प्रचलन चल गया है, जंक फूड खाने का और बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का, ये बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है. क्योंकि बाहर का अधिक खाने से उनके जो शरीर में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं बाहर का खाने से, उसका निष्कासन यदि पूर्ण रूप से नहीं होता तो वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करते हैं. और जैसे ही हमारे शरीर की इम्यूनिटी लॉस होती है तो उससे किसी ना किसी रूप में हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं. तो मोटापा मुख्य रूप से हमारे खान पान को सही करने से ही ठीक हो सकता है. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यदि हम कैलोरी इनटेक आउटपुट से ज़्यादा करते हैं, हम शारीरिक श्रम उतना नहीं करते हैं लेकिन हम खाते उससे ज़्यादा हैं, तो वो हमारे शरीर में मेद के रूप में संचित होकर मोटापे में परिवर्तित होता है, जिससे कि और रोग भी हो सकते हैं. तो इन्होंने ये भी पूछा है कि बच्चों के लिए कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं. हाँ जी, बच्चों के लिए एक तो सबसे ज़रूरी है कि वो टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स और जंक फूड से दूर रहें. दूसरा, वो कोई ना कोई जो छोटे बच्चे हैं वो गेम्स ज़रूर ज्वाइन करें जिससे कि उनका जो शारीरिक श्रम बढ़े. और इसी तरह से बच्चों के लिए संजीवनी वटी और आरोग्यवर्धनी वटी एक एक गोली दिन में 3 बार आप इनको दे सकते हैं. यह पत्र हमने शामिल किया है औरंगाबाद से अमिताभ चक्रवर्ती जी का. इनका प्रश्न है कि हर्निया के ऑपरेशन के बाद इनका वजन तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार बताएं. हर्निया के ऑपरेशन के बाद यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो उसमें मुख्य रूप से आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो सकता है कि आप शायद व्यायाम पूर्ण रूप से नहीं करते हैं या जो भी खाते हैं उसके बाद आप बैठ जाते हैं, पूर्ण रूप से आप श्रम नहीं करते हैं, तो वो एक मुख्य कारण हो सकता है. तो उसमें आपको थोड़ी सी औषधि का सहारा लेना होगा, जैसे कि औषधियों में आपके लिए पुनर्नवारिष्ट और मेदोहर वडिंग आदि लो बहुत अच्छा है, इसका आप सेवन कर सकते हैं. इसके नियमित सेवन से आपके जो शरीर में मेद का संचित होना है वो कम हो सकता है. और यदि आप थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम कर सकें या योग की सहायता ले सकें तो आपके रोग में आपकी मदद हो सकती है, ठीक हो. ये अगला पत्र आया है मेरठ से शिवानी सेन गुप्ता का.
इनका प्रश्न है कि मोटे व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए जिसके द्वारा मोटापे से बचा जा सके। मुख्य रूप से मीठा और तेल से और वसा युक्त जितना भी भोजन है उससे हमें दूर रहना चाहिए और खाने में हरी सब्जियां, फल और अंकुरित दालों का ज्यादा समावेश रहना चाहिए। फल जरूरी खाने चाहिए, फलों में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को टॉक्सिन से दूर रखते हैं और मोटापा नहीं आने देते। इसी तरह से पानी अधिक पीना चाहिए और ज़्यादा सूप्स में वेजिटेबल जैसे सूप्स हैं वो आप पी सकते हैं। फाइबर जैसे मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ही ज़्यादा जोर दिया है कि इन चीज़ों को खाने से आपके मोटापा कम हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मोटापे और उसके पहलुओं के बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें पत्र लिखकर बता सकते हैं। हमारा पता है